और चलिए अब आपको सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां पर दिल्ली में ड्राइवरलेस मेट्रो का शुभारंभ कर रहे हैं पीएम मोदी। यहां पर हरी झंडी दिखाई जा रही है, ये कार्यक्रम यहां पर हो रहा है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में। पिछले 6 से 7 वर्षों के दौरान डीएमआरसी ने एनसीआर में अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। दिल्ली एनसीआर के नेटवर्क को दुगुना करके 390 किलोमीटर तक पहुंचाया है और इसके साथ ही अब हम दुनिया के 7 बड़ी मेट्रो वाले महानगरों में शामिल हो गए हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली मेट्रो दुनिया भर की चुनिंदा मेट्रो की श्रेणी में अपनी उपस्थिति दर्ज करने जा रही है। देश में पहली बार ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का परिचालन का मैजेंटा लाइन पर शुभारंभ और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिए एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ट्रांजैक्शन सेवाओं की शुरुआत न सिर्फ दिल्ली मेट्रो के लिए बल्कि पूरे भारत की मेट्रो सेवाओं के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। हमारा सदैव प्रयास रहा है कि मेट्रो यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान किया जाए। ड्राइवरलेस मेट्रो के आने से हमारे ट्रेन के परिचालन में ह्यूमन एरर की संभावना समाप्त हो जाएगी। कोविड महामारी की बाधाओं के बावजूद पिछले 8 महीनों में हमने कैशलेस ट्रांजैक्शन और आत्मनिर्भरता की दिशा में एनसीएमसी रुपे कार्ड से यात्रा सुनिश्चित कराने के लिए अथक प्रयास किए ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन वन नेशन वन कार्ड को मूर्त रूप दिया जा सके। दिल्ली मेट्रो ने आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत हाल ही में IATS यानी इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम लॉन्च किया है, जो सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्वावलंबी होने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। लॉकडाउन से पहले दिल्ली में 65 लाख से ज्यादा यात्री रोज दिल्ली मेट्रो की सेवाओं का लाभ उठाते थे। महामारी के प्रसार को रोकने के सभी मापदंडों का पालन करते हुए लॉकडाउन के बाद भी हम आर्थिक गतिविधियों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर ड्राइवरलेस ट्रेन और एनसीएमसी कार्ड के संचालन का उद्घाटन और उनके आशीर्वाद वचन हमें एवं समूचे देश के मेट्रो परिवार को और उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। क्रिया प्रबंध निदेशक महोदय, अब प्रस्तुत है भारत में मेट्रो सेवाओं के अब तक के सफर को रेखांकित करती एक लघु वीडियो फिल्म। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2002 में दिल्ली मेट्रो के रूप में विश्व स्तरीय आधुनिक शहरी परिवहन के एक नए युग की आधारशिला रखी थी। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने और नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के पथ पर दृढ़ संकल्प के साथ अग्रसर है। पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ, वही सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। वर्ष 2014 में जहां देश भर में मात्र 248 किलोमीटर मेट्रो का ही परिचालन किया जा रहा था, वहीं आज देश के 18 शहरों में 702 किलोमीटर का विशाल नेटवर्क खड़ा हो चुका है, जिसका लाभ प्रतिदिन लगभग 85 लाख से अधिक यात्रियों को मिल रहा है। यही नहीं, आज 27 शहरों में 1016 किलोमीटर नेटवर्क का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इन 6.5 सालों में देश में आधुनिक तकनीकी के विकास व स्वावलंबन, मानव संसाधनों के कौशल विकास तथा मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को नई दिशा मिली है। अब मेट्रो के कोच देश में डिजाइन व मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रहे बल्कि निर्यात भी हो रहे हैं। इन प्रयासों से मेट्रो कोच के निर्माण की लागत 12 करोड़ से घटकर 8 करोड़ रह गई है। सिग्नलिंग, रोलिंग स्टॉक
डिजाइन, एनसीएमसी कार्ड, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आई मेट्रोज नॉलेज शेयरिंग के द्वारा इफिशियंसी बढ़ाने के प्रयासों को साकार कर रहा है। मेट्रो सेक्टर कंजेशन कम करने, प्रदूषण पर लगाम लगाने, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग बढ़ाने, रोजगार के अवसर और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग द्वारा कार्बन फुटप्रिंट को कम कर शहरों को नई पहचान दे रहा है। शहरी विकास को दिशा देने, लागत कम करने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, फंडिंग के नए स्रोत विकसित करने, अधिक शहरों और अधिक नागरिकों तक मेट्रो का लाभ पहुंचाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में परिवर्तन कर नई मेट्रो पॉलिसी, टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्डाइजेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एकरूपता तथा कॉस्ट बेंचमार्किंग जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और नए मेट्रो बिल को आकार दिया जा रहा है। घनी आबादी वाले बहुनगरीय क्षेत्रों को जोड़ने हेतु रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, कम आबादी वाले नगरों हेतु कम कीमत के मेट्रो लाइट, मेट्रो नियो तथा वाटर मेट्रो जैसे नए विकल्प सेक्टर को नए आयाम दे रहे हैं। राष्ट्र की स्वाधीनता के 75वें वर्ष में 1 करोड़ से अधिक यात्री प्रतिदिन 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क का लाभ उठा रहे होंगे। समग्र, सतत तथा संतुलित विकास को बढ़ावा देते हुए मेट्रो सेक्टर नए अवसरों व नई संभावनाओं के द्वार खोलकर नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहा है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से देश भर की मेट्रो ने पिछले 6.5 सालों में अभूतपूर्व विकास किया है। दिल्ली मेट्रो में ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण कदम है। आइए ड्राइवरलेस मेट्रो की विशेषताओं पर एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं। आज दिल्ली मेट्रो दुनिया के उस 7% प्रतिष्ठित मेट्रो नेटवर्क की श्रेणी में शामिल होने जा रही है जहां बगैर ड्राइवर के ट्रेनें संचालित हो रही हैं। अब ट्रेन ड्राइवर को जल्द सुबह, देर रात और ऑफ पीक आवर्स में ट्रेनों को डिपो से रोजाना निकालने, ले जाने एवं टेस्टिंग करने वाली एक्टिविटीज से फ्रीडम मिल जाएगी, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेनें ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के सुपरविजन में स्वयं ही सभी सिस्टमों को मात्र 10 मिनट में चेक कर लेंगी और यात्री सेवाओं के लिए रवाना हो जाएंगी। तकनीकी रूप से एडवांस्ड इन ट्रेनों में अब ह्यूमन एरर की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ये ट्रेनें पहले से ज्यादा विश्वसनीय, नियमित, सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव कराएंगी और जून 2021 तक 57 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर भी दौड़ने लगेंगी। आज इन फुल्ली ऑटोमेटेड चालक रहित ट्रेन सेवाओं का दिल्ली मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है शुभारंभ। वो ऐतिहासिक घड़ी जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं पूरे आदर पूर्वक अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्लैग का अनावरण करते हुए देश की प्रथम चालक रहित मेट्रो ट्रेन सेवा का शुभारंभ करें। पर खड़ी प्रथम चालक रहित ट्रेन को रवाना करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आइए अब हम नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में एक लघु फिल्म का अवलोकन करते हैं जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वन नेशन वन कार्ड विजन के तहत पिछले साल अहमदाबाद में अनावरण किया था और जिसके जरिए अब दिल्ली मेट्रो में भी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा करना आज से आरंभ हो जाएगा।
आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पहली बार पूर्ण रूप से देश में ही विकसित और टेस्टेड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर आज से शुभारंभ होने जा रहा है। ये कार्ड देशवासियों को मेट्रो में यात्रा, बैंकिंग, शॉपिंग इत्यादि के रूप में एक कंप्लीट फ्रीडम की सौगात देने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन वन नेशन वन कार्ड को साकार करते हुए वर्तमान में 23 बैंकों द्वारा 1.1 करोड़ से भी अधिक लोगों को जारी ये कार्ड देश के किसी भी कोने से दिल्ली आने पर न केवल इस लाइन पर यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, अपितु 2022 तक दिल्ली मेट्रो के लगभग 400 किलोमीटर नेटवर्क की बाकी सभी लाइनों पर भी यात्रा के लिए प्रयोग में लाया जा सकेगा। आज देश की सर्वप्रथम NCMC आधारित मेट्रो सेवा का दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है शुभारंभ। एक बार फिर से मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे रिमोट से NCMC प्लैग का अनावरण कर देश में पहली बार किसी भी मेट्रो सिस्टम में लागू होने जा रहे इस NCMC आधारित वन नेशन वन कार्ड सेवा का शुभारंभ। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आत्मनिर्भर भारत के रूप में एक नए राष्ट्र का निर्माण करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, अब हम बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करेंगे कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री हरदीप सिंह पुरी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मंगू सिंह जी, देश में चल रही मेट्रो परियोजनाओं के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मैजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है। पिछले साल अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी, आज इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में हो रहा है। आज का यह आयोजन अर्बन डेवलपमेंट को अर्बन रेडी और फ्यूचर रेडी करने का प्रयास है। साथियों, भविष्य की जरूरतों के लिए देश को आज तैयार करना, आज काम करना, ये गवर्नेंस का अहम दायित्व है। लेकिन कुछ दशक पहले से अब शहरीकरण, अर्बनाइजेशन का असर और अर्बनाइजेशन का भविष्य दोनों ही बिल्कुल साफ था। उस समय एक अलग ही रवैया देश ने देखा। भविष्य की जरूरतों को लेकर उतना ध्यान नहीं था, आधे अधूरे मन से काम होता था, भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। उस समय तेजी से शहरीकरण हो रहा है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट से निपटने के लिए हमारे शहरों को उतनी तेजी से तैयार नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि देश के बहुत से हिस्सों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग और पूर्ति में बहुत ज्यादा अंतर आ गया। साथियों, इस सोच से अलग
आधुनिक सोच ये कहती है शहरीकरण को चुनौती न मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए, एक ऐसा अवसर जिसमें हम देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक ऐसा अवसर जिसमें हम ईज ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं। सोच का ये अंतर शहरीकरण के हर आयाम में दिखता है। देश में मेट्रो रेल का निर्माण भी इसका एक उदाहरण है। दिल्ली में ही मेट्रो की चर्चा बरसों तक चली, लेकिन पहली मेट्रो चली अटल जी के प्रयासों से। यहां तो मेट्रो सर्विस के इतने एक्सपर्ट्स इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो भी इसे भलीभांति जानते हैं कि मेट्रो निर्माण की क्या स्थिति थी। साथियों, साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी, उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशन थी। आज ये करीब 3 गुनी यानी 700 किलोमीटर से ज्यादा है। वर्ष 2025 तक हम इसका विस्तार 1700 किलोमीटर 1700 किलोमीटर तक करने का प्रयास कर रहे हैं। साल 2014 में मेट्रो पर सवारी करने वालों की संख्या 17 लाख प्रतिदिन थी। अब यह संख्या 5 गुना बढ़ गई है। अब 85 लाख लोग हर दिन मेट्रो से सवारी करते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों के जीवन में आ रही ईज ऑफ लिविंग के प्रमाण है। ये सिर्फ ईंट पत्थर कंक्रीट और लोहे से बने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि ये देश के नागरिकों, देश के मिडिल क्लास की आकांक्षा पूरा होने के साक्ष्य हैं। साथियों, आखिर ये परिवर्तन, ये बदलाव आया कैसे? ब्यूरोक्रेसी वही है, लोग वही हैं, फिर कैसे इतना तेज काम हुआ? इसकी वजह यही रही कि हमने शहरीकरण को चुनौती नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखा। हमारे देश में पहले कभी मेट्रो को लेकर कोई नीति ही नहीं थी। कोई नेता कहीं वायदा कराता था, कोई सरकार किसी को संतुष्ट करने के लिए मेट्रो का ऐलान कर देती थी। हमारी सरकार ने इस एडहोकिज्म से बाहर आकर के मेट्रो के संबंध में पॉलिसी भी बनाई और उसे चौतरफा रणनीति के साथ लागू भी किया। हमने जोर दिया स्थानीय मांग के हिसाब से काम करने पर, हमने जोर दिया स्थानीय मानकों को बढ़ावा देने पर, हमने जोर दिया मेक इन इंडिया के ज्यादा से ज्यादा विस्तार पर, हमने जोर दिया आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग पर। साथियों, आप में से अधिकांश लोग ये जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों की अलग अलग आवश्यकताएं, अलग अलग आकांक्षाएं और अलग अलग चुनौतियां होती हैं। अगर हम एक ही फिक्स मॉडल बनाकर मेट्रो रेल का संचालन करते तो तेजी से विस्तार संभव ही नहीं था। हमने ध्यान दिया कि मेट्रो का विस्तार ट्रांसपोर्ट के आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल, शहर के लोगों की जरूरतों और वहां की प्रोफेशनल लाइफस्टाइल के हिसाब से ही होना चाहिए। यही वजह है कि अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह ही
अलग अलग प्रकार की मेट्रो रेल पर काम हो रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का शानदार मॉडल, दिल्ली और मेरठ की दूरी को घटाकर एक घंटे से भी कम कर देगा। मेट्रो लाइट उन शहरों में जहां यात्री संख्या कम है वहां मेट्रो लाइट वर्जन पर काम हो रहा है। ये सामान्य मेट्रो की 40% लागत से ही तैयार हो जाती है। मेट्रो नियो जिन शहरों में सवारियां और भी कम हैं वहां पर मेट्रो नियो पर काम हो रहा है। ये सामान्य मेट्रो की 25% लागत से ही तैयार हो जाती है। इसी तरह है वाटर मेट्रो, ये भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच का उदाहरण है। जिन शहरों में बड़ी वाटर बॉडीज हैं वहां के लिए अब वाटर मेट्रो पर काम किया जा रहा है। इससे शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही उनके पास मौजूद द्वीपों के लोगों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी का लाभ मिल सकेगा। कोची में यह काम तेजी से चल रहा है।